नमस्कार दोस्तों, राधा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मायोनीज सैंडविच बनाने की रेसिपी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ दो व्हाइट वाले ब्रेड लिए हैं। चलिए मटेरियल देख लेते हैं। मटेरियल में हमने प्याज, टमाटर, खीरा, हरी धनिया, शिमला मिर्च, गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, बाकी सब्जियों को हमने बारीक कट कर लिया है। एक बाउल लेते हैं, बाउल में सारे मटेरियल को हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। दो बड़े चम्मच मेयोनीज ऐड कर देंगे। एक बड़े चम्मच सॉस, सॉस ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए ब्रेड लेते हैं। ब्रेड में स्टफिंग को चारों ओर से अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट हो गया है। दूसरे वाले ब्रेड को हम हल्के हाथों से टैप करते हुए रख देंगे। चलिए पैन लेते हैं। पैन में बटर या ऑयल ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है। अच्छे से गर्म हो जाए यहीं पर हम अपना सैंडविच रख देंगे। इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से। जी दोस्तों, हमारा मायोनीज सैंडविच बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो, हमने यहाँ ट्रायंगल शेप में कट किया है। देखिए दोस्तों, हमारा मायोनीज सैंडविच अच्छे से बनके रेडी हो गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।